कनका दी मुक गई राखी चट्टा आई विसाखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कल 14 अप्रैल है और कल के दिन बैसाखी का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर पंजाब की बात की जाए तो इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हम कनालों में मौजूद हैं, यहाँ पर बैसाखी के मेले की शुरुआत जो है हो चुकी है और पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो 2 सालों से ये मेला जो है वो नहीं लगा था। आज इस तरह से 13 अप्रैल है, आज के दिन जो मेले की शुरुआत जो है वो ये है, लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं रौनक जो है अब नज़र आई क्योंकि पिछले 2 साल से ये मेला नहीं लग पाया था। और जिस तरह से बैसाखी की बात की जाए तो फसलों की कटाई जो है उसकी शुरुआत होती है और यहाँ पर बात की जाए इस खुशी को दिखाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में जो है बैसाखी को अलग अलग नामों से जो है मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर मेले जो हैं वो लगाए जाते हैं और ख़ास तौर से लोगों से लेकर बच्चों तक इस दिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है। हर समुदाय के लोग जो है आते हैं, बढ़ चढ़ कर मेले में हिस्सा लेते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। वहीं पर अगर इन घड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर हम मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको कुछ दिन पहले जो मिट्टी की इंपॉर्टेंस बताई थी कि किस तरह से मिट्टी के अलग अलग बर्तन थे, वहीं पर इस मेले की बात की जाए, इस मेले की शुरुआत जिस तरह से आज से हो रही है और मिट्टी के घड़े आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से मिट्टी के गुल्लक यहाँ पर आपको साफ तौर से नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए, मिट्टी के घड़ों की बात की जाए तो उसका रुझान जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हर साल जब मेला लगता है तो मिट्टी के घड़े लोग दूर दूर से आते हैं और जो जितने भी लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए आते हैं वो घड़ों की खरीदारी जो है वो ज़रूर करते हैं। उसके साथ साथ अगर छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई तरह के खिलौने जो हैं वो भी लाए गए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पिछले 2 साल से जिस तरह से बंद था मेला, ये नहीं लगा पाए थे और जो दूर दूर से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, उसके साथ साथ खाने में भी जो है काफ़ी दिलचस्पी यहाँ पर रखते हैं। और पकौड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ जलेबियाँ भी जो है मिलती है। अभी स्टॉल जो है वो लगाया जा रहा है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2 साल के बाद की दूरी जो है अब ख़त्म हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम कमल है मैम। कमल जी, कहाँ से आए हैं आप? हाँ मैम, लोकल हैं यहाँ के। जी, तो 2 साल तक मेला नहीं लगा था और आज इस तरह से मेले की शुरुआत हो रही है, कल मेला लगेगा, दूर दूर से लोग आएंगे, लोग स्थानीय लोग भी आएंगे, तो कितनी एक्साइटमेंट आप में है क्योंकि 2 साल तक बंद ये रहा था? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं मैम, 2 साल तक हमारा लगा नहीं, हमारी रोजी रोटी का सवाल होता है, साल भर के लिए हम वेट करते हैं इसका जी। तो हम आज से नहीं कर रहे हैं, हमें कम से कम यहाँ पे 32 साल हो गया करते हुए जी, छोटे होते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 50 साल लोग ये बूढ़े हो गए हैं तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से जिस तरह से 2 साल से बड़ा बहुत हमें बहुत मिस किया है इसको, बहुत मिस किया है क्योंकि हालत ऐसे बन गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वगैरह चल रहा था तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था, तो काम काज सारे सिस्टम खराब हो गया था। खुशी है लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अब जो कोई हमारे पास आ रहा है बड़े प्यार से बुला रहे हैं हम, ठीक है। ग्राहक कस्टमर जो होता है भगवान का रूप होता है, बड़े अच्छे से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं उनको, तो आओ भाई हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या कुछ खिलाएंगे आप उन्हें जब आपके पास? हम पकौड़े शकोड़े बनाएंगे, जलेबी वगैरह बनाएंगे मैम, जो हमारा होता है। ये हमने टेबल लगा दी है इधर, तो बस इसके बाद कल हमारा पकौड़ा जलेबी शुरू हो जाएगा इधर। जी सुखराम। सुखराम जी, कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले, तो इतनी दूर से आते हो आप यहाँ पे मेला लगाने के? जी मैम। क्या कहना चाहोगे, 2 सालों तक बंद रहा था मेला और अब मेले की शुरुआत जो है आज से हो रही है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है मैम हमें, पहले पिछले साल हम आए थे तो हमें मना कर दिया गया था कि नहीं लग रहा मेला, तो हम जो है सारा सामान लेके फिर वापस गए, अब इस बार आए हैं तो मेला लगा है। कितनी खुशी। और क्या कुछ रखा आपने मेले में? जी हमने ये आर्टिफिशियल फूल लगाए हुए हैं जी, जी। तो घरों की रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई तरह के फूल जो है आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेले में कई खूबसूरत आर्टिफिशियल फूल आपको नजर आएंगे घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ और कई खिलौने भी जो आपको यहाँ पे साफ तौर से नजर आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम रोशनी। रोशनी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू के रहने वाले, पिछले 2 साल से बैसाखी का मेला नहीं लगा था? नहीं लगा था। आज से शुरुआत हुई थी, कितनी खुशी आपको? आपको हमने बहुत खुशी आज को। क्या कुछ रखा हुआ आपने? हमने ये खिलौने रखे बच्चों के लिए जी। तो क्या बच्चे खुशी खुशी खरीदते हैं? सब सब खरीदते हैं, खुशी को सब खरीदते हैं जी। तो कितनी खुशी आपको इस साल? बहुत ज्यादा खुशी हमने आज जी। लोगों को किस तरह से बुलाएंगे आप? आओ जी भाई साहब, आ जाए भाई साहब, आ जाए ले लो, आ जाए भाई साहब, ऐसे ऐसे बोलते बच्चे को, बताए बेटा ले लो। तो कल जिस तरह से यहाँ पे बड़ा मेला लगने जा रहा है तो आप लोग भी आइए, बढ़ चढ़ कर इस मेले में खरीदारी कीजिए और इन लोगों का रोजगार बढ़ाने में भी इनकी मदद कीजिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।